मेरा भाई फटे हाल था, मेरे पास कमाने के लिए ऑप्शन कोई था नहीं और दबाने के लिए जो कुछ बहुत ज्यादा था नहीं, तो मैंने बोला बैठता हूँ और घर पर क्या कर लूंगा, जाकर घर पर मैं चला भी जाऊंगा सीट छोड़कर तो जहां से क्या करूंगा, एक कार्यक्रम में अपना शकल का मुंह मोह रख लूंगा, रिपीट कास्टिंग में स्टार उसमें कसौटी जिंदगी क्या आएगा वो देख लूंगा, कभी खुशी कभी गम, अजी शक्तिमान यही तो है काम, और क्या काम है, और क्या कर लोगे, और जितने यहां से जाके लौटने वाले संडे के दिन कौन से कार्यालय खुले आपके, जो आप इंपोर्टेंट कर नहीं निकलना है मेरे को, कहां कहां जाने वाले, घर ही जाओगे और रात भर की अंगड़ाई आज पूरी करोगे, हेलो कुछ नहीं खास करने वाले, तो बेकार हमको हवाला मत दीजिए, बहुत बिजी हूं निकलने वाला हूं, मैंने ही बोला मैं बिजी हूं, मुझे पता था मैं बिजी नहीं हूं, मैंने बोला निकलना है, बोला थोड़ा सा और बैठो, मैं बैठा वहां पर, लास्ट में एक वक्त ने बताया कि आप इस बिजनेस को अगर ज्वाइन करते हैं तो आप ऐसे 40,96,000 रुपए कमा सकते हैं। जब 40 लाख रुपए की बातचीत हुई और सलमान ने एक बात ऐड की कि आप यहां से 40 लाख रुपए इनकम टैक्स पे करके कमाते हैं, व्हाइट मनी कमाते हैं, तो मुझे लगा ये बिजनेस मेरे मतलब का है, मैंने बिना समय गवाए इस बिजनेस के फॉर्म को साइन अप कर दिया, साइन अप करने के लिए पैसा नहीं था, 100-200 रुपए पड़ा हुआ था, कुछ मैंने अप्लाई से एडजस्ट करके फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में सिर्फ फॉर्म तो ज्वाइनिंग तो होती नहीं है, एक प्रोडक्ट लेना होता है, मैंने प्रोडक्ट को चॉइस किया, दो सूट लेने का मैंने शुरुआत किया और दो सूट मैंने ऐसे लिया, मैंने दो सूट ले लेता हूँ, एक सूट तो किसी कंपनी को ज्वाइन करूंगा, कभी ना कभी तो ज्वाइन करूंगा किसी कंपनी के अंदर, तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में प्राइवेट जॉब करूंगा तो वो कहने एक सूट पहन के आया था तो एक सूट वहां काम आ जाएगा और दूसरा सूट कब काम आएगा, समझदार है आप, दूसरे की बर्बादी में कितनी खुशी मिलती है आपको, शादी में सबका क्वेश्चन मार्क वही है शादी, मैं दूसरा काम नहीं कर सकता हम लोग, असल बात सच यही है, सबका एक ही गोल है बस, एक काम मिल जाए बढ़िया, मतलब एक तो नौकरी मिल जाए बढ़िया और एक छोकरी मिल जाए बढ़िया, ऐसा हो एक ही फोकस है दूसरा मिलता ही नहीं, तो मैंने बोला शादी में काम आ जाएगा, हालांकि मेरा बैड लक है कि वो सूट मेरे को शादी में पहनने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने वो सूट पहना और दबाकर पहना, मुझसे बोला गया था, मैंने जब लिया था ये सूट लेन तो 7800 रुपए का सूट लिया, मैंने लिया था मेरे लिए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के बराबर था वो, मैं कसम से बोल रहा हूँ मेरी प्रॉपर्टी, एक आदमी जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराता है उतना बड़ा अमाउंट था 7800 रुपया, कुछ मेरा जमा किया हुआ था, कुछ मैंने गुल्लक खोली थी, कुछ मैंने अपनी फीस का से काट के दिया था, 7800 रुपये मेरे लिए बड़ी बात थी, बहुत बड़ी, किसी के लिए नौकरी से काट के दे सकता बंदा, लेकिन मेरे से स्टूडेंट के लिए बड़ी बात थी, लेकिन मैंने विश्वास देखा था क्योंकि मैंने देखा था एक व्यक्ति को 40 लाख रुपए केवल दिखाया नहीं था यहाँ पर, एक व्यक्ति को मिलाया गया था हमारे बीच में ऑडियंस के रूप में, और वो व्यक्ति ने मुंह से खुद जब बोला, जब मैंने देखा एक व्यक्ति बोल रहा है मेरा नाम हरीश सिंह, मैं सब्जी बेचता था, आज बिजनेस में से मेरे पास आज खुद की कार है, मेरा नाम महेश चंद, मैं टेलर मास्टर हूँ, मैं पहले कपड़े सिलता था, आज में मेरे पास भी अपनी खुद की कार है, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं सेल्समैन एग्जीक्यूटिव था और आज बिजनेस की वजह से मेरे परिवार का जो किराए का मकान रहता अपने मकान रहता हूँ, तो मैंने जब लोगों को देखा लोग पैसा तो कमा रहे, लेकिन बात 40 लाख रुपए की, 40 लाख मेरे को बताइए जितना ये कमा रहे उतना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है मैं कहीं ना कहीं से कमा लूंगा, 40 लाख वाला वो प्रोडक्ट हो तो मेरे को दिखाइए, और रियली उन्होंने दिखा दिया, क्लोजिंग कर रहे व्यक्ति पहुंचे वहां पर और व्यक्ति कोई और नहीं, उनका नाम था मिस्टर माधव सिंह जी, मैं चाहूंगा उनके लिए छोटा सा जब वो पहुंचे उन्होंने बताया कि मैंने यहां से 40 लाख रुपए कमाया है और मैं बहुत जल्दी डायमंड बनने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास कार है, मेरे पास घर है और अभी रिसेंटली मैंने शादी किया है बिजनेस के ब्याह पर ही, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में बिजनेस में दम तो है और बंदा हमारे एरिया का ही है तो इसका मतलब बिजनेस को करना चाहिए, और मैंने बिना समय गवाए इस बिजनेस को प्रायोरिटी पर दिया, शुरुआत किया, शुरुआती दौर में आपको पता है जब नया नया काम होता है तो नए नए काम में तकलीफें तो आती नहीं आती, हाँ जी बोलो तकलीफ आती है, अगर जो महिलाएं यहां बैठी हुई हैं, जो अगर पहली पहली रोटी बेली होगी उन्होंने भी, तो उनसे भी खराब हो गई होगी, आज परफेक्ट है तो क्या हुआ, ये सुन लो वो तो हम भी परफेक्ट हो गया है, रोटी हमको भी तो हफ्ती बेलना तो आज हम नहीं बेल लेते, लेकिन पहली जो बेली थी वो खराब हुई थी नहीं हुई थी, ऐसे ढेर सारे लोगों से ढेर सारे काम कई बार पहली बार शुरुआत जब करते तो गलत हो जाते हैं, लेकिन उसी बात को रविंद्र जी ने बोला, सीख के अगर आप करते हैं तो हो जाता नहीं हो जाता, बोलिए तो इस व्यवसाय का एक ही एक ऐसा छोटा सा एक पॉइंट है जिस पर आप ध्यान दिया जाए, सीखने पर अगर हम ध्यान दें, सिर्फ सीखने पर आए व्यक्ति ध्यान दे, ज्वाइन करने में कोई कलाकारी है ही नहीं, ज्वाइन करने में कोई कलाकारी नहीं है, एटीएम स्वैप करिए पिन नंबर डालिए हो गए ज्वाइन, ये कलाकारी कौन सी कलाकारी है, कोई कलाकारी है ही नहीं, कलाकारी है कि ज्वाइन करने के बाद आप हर फ्राइडे को ट्रेनिंग पर आओ, कलाकारी है
कलाकारी ये है कि आपने बिजनेस को ज्वाइन किया अपने सपने पूरे करने के लिए, तो वो सपने बनाइए, वो गोल बनाइए, वो टारगेट बनाइए अपनी जिंदगी का, कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर। डजंट मैटर वो सेफ शॉप है, जिंदगी आपको कोई और मौका देगी। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा मौका मिला हो, मिलेगा कि कोई डायरेक्टर आपके फेस कट को लेकर आप पे फिल्म बना दे, ऐसा ही मौका मिल सकता है। मौका मिल सकता है आपको दोस्त, लेकिन आपको गोल बनाना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। कई लोगों को यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, वो चलती कहीं भी प्लेटफॉर्म पर गए स्टेशन मास्टर से बोलने के साथ टिकट दे दिए, वो पूछ रहा है कहाँ का टिकट चाहिए, बोले कहीं का नहीं इधर का भी दे दो, वो कहाँ का लेगा, बोले ये लो प्लेटफॉर्म टिकट, वो तो पता ही नहीं जाना कहाँ है, इधर ही पड़े रहो। हेलो एक बंद लिफाफा, इसका कोई एड्रेस ही नहीं है, कहाँ जाएगा एक बंद लिफाफा? हाँ बिल्कुल राइट, डाकखाने में पड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं आ सकता। डाकखाने वाला पोस्ट मास्टर में दम नहीं है कि उसे राइट जगह पहुंचा दे, क्योंकि उस पर एड्रेस नहीं। बोलिए यस और नो। वैसे कई सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, हम जैसे